दोस्तों वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने 70वीं बीपीएससी का जो प्री का एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और यूपीपीसीएस प्री का जो एडमिट कार्ड है इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है और कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है यूपीपीसीएस में उसके बारे में डिस्कस करूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। अगर आपको मुझसे कोई क्वेरी पूछनी है तो बायो में मेरा लिंक है @RajkumarChaudhary1, आप मुझसे कोई क्वेरी पूछ सकते हो। ये डिस्कशन ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम सबसे पहले 70वीं बीपीएससी के बारे में। देखो मैंने आपको लगभग 10-12 दिन पहले ही बोल दिया था कि आपका एडमिट कार्ड दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका आएगा, और आपका एडमिट कार्ड किसी भी समय आउट हो सकता है। हो सकता है कि आज ही हो जाए, कल भी हो जाए, किसी भी समय हो जाए, फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और किसी भी कीमत पर आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन्ड नहीं हो रहा है, ये भी मैंने आपको उस समय बताया था। और आज बीपीएससी ने एक नोटिस निकाला है, कुछ लोग इसको फेक बता रहे हैं, तो इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। ये फेक नहीं है, ये ऑफिशियली है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम टाइम पर है और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी तो आप हमसे बात कर सकते हो। अब बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। देखो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई थी 69 बीपीएससी की, ये आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, ये अनरिजर्व की 91 पर कट ऑफ गई थी, फीमेल की गई थी 84 पर। आप इसको देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको डाल दिया है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर पर, और आप पहुंच करके भी इसको पढ़ सकते हो। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हम जो यूपीपीसीएस प्री है। देखो प्री के बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको एक बात कही थी, आपका पेपर 100% उसी दिन हो रहा है और सेंटर का एग्जाम हो चुका है। और देखो एक बात आप समझो कि ऑफिशियली चीज़ें कुछ दिन बाद होती हैं, लेकिन चीज़ें जब आयोग में घटनाक्रम चलता रहता तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। तो सेंटरों का इंतजाम आपको ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन वो अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आपने देखा है कि DM रामपुर का है, उन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट डाला है, वो मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया, आप देख सकते हैं वहाँ पर, इस ग्रुप पर इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप पर मैंने डाल दिया उसको, आप वहाँ जाकर इसको चेक कर लेना। और उन्होंने क्लियरली बता दिया कि मोहर फाइनली लग चुकी है इसके ऊपर, तो ये बात पक्की हो गई है। क्योंकि देखो एक बात है, एक होता है कि अंदर चीज़ें इस तरह की चीज़ें जो हो चुकी हैं लेकिन उसे फाइनली मोहर कुछ दिन बाद लगती है, ऐसे ही सेम टू सेम मैंने आपको बता दिया था पेपर पोस्टपोन के बारे में। जब 7 और 8 को पेपर होना था, नहीं होना था दिसंबर में, उसके बारे में मैंने बता दिया था कि आपको सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा, क्योंकि मुझे ऑफिशियली बात पता अंदर से पता चल गई थी, लेकिन ऑफिशियली कुछ दिन बाद आई थी वो बात। तो ये मैंने आपको पूरी बात बताती। एडमिट कार्ड के बारे में बात, जहाँ तक बात है एडमिट कार्ड का, जो काम है इस हफ्ते आपका शुरू हो गया है, और जो निकलेगा एडमिट कार्ड आपका, वो निकलेगा आपका नेक्स्ट वीक में, यानी सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका जो एडमिट कार्ड है यूपीपीसीएस प्री 2024 का आपका निकल जाएगा। जहाँ तक बात है नंबर ऑफ पोस्ट की, देखो एक बात आप ध्यान रखो, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि नंबर ऑफ पोस्ट आपकी इस समय 1150+ है। हालांकि और भी नंबर ऑफ पोस्ट ऑलरेडी आ चुकी हैं यूपीपीसीएस के पास, लेकिन आप जानते हो कि 2025 का भी उनको पेपर करवाना है, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐड होनी ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ इसी में ऐड कर दे वो लोग, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, 2025 वालों के लिए भी कुछ छोड़ के रखना है। तो 1150+ आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये मैंने आपको बता दिया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। पेपर आपका ऑन टाइम है, किसी भी कंफ्यूजन में मत रहिए आप। मैं बहुत दिनों से आपको कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ, लगातार उल्टी सीधी खबरें चल रही हैं, आपको उन खबरों से बच के रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं बच के रहोगे तो देख लेना गाइस, आप मारे जाओगे। देखो एक सिंपल बात ये है कि कन्फ्यूजन में रहोगे तो हमेशा ही नुकसान होता है। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, लगातार तैयारी करना है। और एक चीज़ और लास्ट में मैं आपको कहूँगा, जो अपडेटेड ई दृष्टि है अक्टूबर और नवंबर की, वो आ जाएगी तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हो। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, प्लीज़ इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।